हेलो स्टूडेंट्स, बेटा देखो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रिक्शन भी है प्लस में एक फोर्स लग रहा है, उस रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन मेरे पास है, कैसे सोल्व करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करो, क्वेश्चन में क्या है। ए ब्लॉक ऑफ 4 kg इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लोर, यानी कि एक ब्लॉक है, कोई भी एक डब्बा है जिसका मास कितना है 4 kg, और कहाँ पे रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.2। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यानी कि एक तो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास में मास की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 kg, और हमें कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है कितना, 0.2। इफ द 6 newton फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, 6 newton का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लगाया गया, क्यों लगाया गया, हो सकता है इसको चलाने के लिए लगाया गया, सीधी सी बात। तो 6 newton का फोर्स इस बॉक्स के ऊपर लगा दिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा दिया, 6 newton, जैसा कि क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। फोर्स लगाने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जब मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने के बाद इस बॉक्स के अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो सीधी सी बात है, एक आसान सा कॉन्सेप्ट याद रखो, एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर कब प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर की साइड लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स किधर की साइड है, इधर की साइड, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर की साइड। तो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर कब आएगा, जब आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा और पीछे वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो आगे वाला फोर्स अपने को दे रखा है 6 newton, फ्रिक्शनल फोर्स अपने को निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर मेरे को पता लग गया, एक बात इसमें समझो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर मेरी 6 newton से आ जाती है कम, तो मेरी बॉडी चलेगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आती है 6 newton से ज्यादा, तो मेरी बॉडी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, फ्रिक्शन क्या काम करता है, फ्रिक्शन बॉडी को रोक के रखता है ना, और अप्लाइड फोर्स क्या करेगा, उसको धक्का दे रहा है। क्लियर बात, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। फ्रिक्शनल फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर, और आर किसके बराबर है, देखो रिएक्शन है, रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, यानी कि आर इसमें मैं पुट कर सकता हूँ, म्यू इंटू एम इंटू जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालो, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, एम की वैल्यू कितनी है 4, और जी की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 10 m/s² जी की वैल्यू तुम्हें लेनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आया, 0.8 × 10। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आया, देखो 8 newton के बराबर आया। मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर कब आएगा, एक्सेलरेशन जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तब जाके तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में बेटा क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, इस वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स तो ज्यादा है, लेकिन अप्लाइड फोर्स जो हमें गिवन है वो कितना है, 6 newton, जो कि है कम। इसका मतलब क्या हो गया, आगे लगने वाला फोर्स तो कम है, पीछे लगने वाला फोर्स कितना आ गया हमारे पास, 8 newton। तो अब खुद से बताओ एक बात, कॉमन सेंस की बात लगाओ, आगे फोर्स लग रहा है कम, पीछे लग रहा है ज्यादा, तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी के अंदर, बताओ होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 m/s², यानी कि एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर कितना आया, 0। ठीक है, क्योंकि देखो 0 क्यों आया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पीछे की साइड फोर्स ज्यादा लग रहा है और आगे की साइड फोर्स लग रहा है कम, पीछे की साइड कौन रोके रख रहा है इस बॉडी को, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि 8 newton हमारे पास में वैल्यू आ गई, 6 newton आगे की साइड फोर्स लग रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मेरी इस 8 newton से ज्यादा आती, तब जाके बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आता। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था क्लास 9 का, ये क्वेश्चन है बेसिकली फ्रिक्शन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है फ्रिक्शन वाले चैप्टर से, ये क्वेश्चन उठाया है, एक बच्चे ने सेंड किया था। अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो ईमेल आईडी मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ईमेल आईडी अपनी डाल दूंगा, किसी भी बच्चों को डाउट आता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा उसका। और कुछ दिनों के अंदर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि 9th class की वीडियो भी मैं अपने चैनल के ऊपर डालूँ, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। जिस बच्चे ने डाउट भेजा था मेरे पास, वो एक बार चेक जरूर कर ले, अगर समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बता दे।
ठीक है, थैंक यू।